आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग फिर जा रहे हैं यात्रा में। अयमान मेरे को छोड़ने आया, इधर पे है अपना भाई मोटा, अपना छोटा भाई। हेलो बोलो मेरे व्यूअर्स, बोलना चाहे भाई को सपोर्ट करना, वीडियो देखना। बोला अच्छा नहीं बना, नहीं बने लेकिन वीडियो देखना। बोला छपुर के पेट्रोल पंप में हम लोग अभी अंकित और शुभ हम जसपुर से निकल गए हैं, फिर कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, फिर अपन लोग जाएंगे उनके साथ में। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों। हम आ चुके हैं अभी यहाँ से, तेल में डलवा लिया, अभी निकलेंगे। तो दोस्तों दोस्त लोग आ चुके हैं, शुभम है, अंकित चला रहे हैं गाड़ी। और क्या बोलेंगे आप लोग, कुछ बोलना चाहोगे मेरे व्यूअर्स लोग को? आज पानी का नजरिया बता दे। कहाँ जा रहे हैं शुभम? जा रहे हैं ओडिशा। ओडिशा वही बेनागढ़ जा रहे थे। तो दोस्तों अगला वीडियो में दिखाया था आज भी वही जा रहे हैं, तो आज भी दिखाते हैं। मौसम आज यही पानी गिर रहा है, तो आगे कैसा रहेगा पूरा सफर में बने रहिएगा। शुभम अपनी तरफ से कुछ बोलेगा? अभी तो चल ही रहे हैं, कब पहुंचते हैं पता नहीं, बहुत लेट हो गया है। ये सावन की रिमझिम घड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं, ये मधुशियों की घड़ी है, बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन। ऐसन मोके लगला हमरा तोरे लगे तरसा फे। दोस्तों हम लोग अभी सिंही बाहर से कट चुके हैं, उड़ीसा घुसने वाले हैं। ये अपना लास्ट चेक पोस्ट है, यहाँ पे फिर हम लोग को अंडा लेने जाते हैं, अंडा मांगते हैं वापसी में। अंडा खिलाएंगे, अंडा खिलाएंगे। फिर क्या चाहिए सर बताइए, उड़ीसा से क्या लेके आए आपके लिए? वापस आज लेट हो जाएगा, होगा रात में, रात में 10 बजे लगभग। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। दोस्तों तो यहाँ लास्ट चेक पोस्ट पड़ता है, तो शुभम काफी टाइम से गाड़ी चला रहे, तो चेक पोस्ट वाला भी जो ड्यूटी लगता है सर लोगों का, उन लोगों में पहचान के इसको बोलता है कभी तुमको मैं जानता हूँ, बोलता है कभी 10 रुपए पकड़ाता है ना तुम, आपकी बार आएगा तो 5 रुपए लूंगा बोलता है। तो शुभम को अच्छे तरह से जानते हो लोग, काफी दिखाएंगे वापसी में क्या सीन रहता है। तीसरी बार है आज। दोस्तों हम अभी साग बहल पहुंचे हैं, बारिश बहुत तेज है इधर, मूसलाधार बारिश हो रहा है इधर पे। सुंदरगढ़ यहाँ से 32 किलोमीटर पड़ेगा और करमढ़ी 24 और सबडेगा 7 किलोमीटर। दोस्तों करमढ़ी पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं हम लोग। तो ये देख सकते हो समोसा भी आएगा, चटनी। सुबह हम बात कर रहे हैं अंकित, अंकित कुछ बोलेगा? चटनी आने का इंतजार कर रहा हूँ भाई। तो करमढ़ी सुबह का नाश्ता आप लोग देख सकते हो, बड़ा है और ये है चटनी, छोला है, छोला तो खाना स्टार्ट कर दे लो। कैसा है? तो भरना ही तो है कि एक एक पिसाव दे देना। अब लोग दर सुकड़ा पहुंच चुके हैं दोस्तों, क्या करेंगे? जंगली तूफान गाड़ी
का पता है तरफ चौके चौक दिख रहा है, किधर जाने समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अकेला था। हाँ, अकेला। तो उधर ही से निकला की नहीं, वापस इधर जाना था ना। हाँ हाँ। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ अपना कौन सा पोल्ट्री फार्म है के? भव्य श्री पोल्ट्री फार्म है, तो पहुंचने वाले हैं अभी, थोड़ा पुल पार करेंगे। वो ब्रेक लिए हैं तो बैठे हैं दोनों जन इधर पे, और धूप बहुत कर रहे हैं। शुभम गया है थोड़ा फ्रेश होने के लिए, और अंकित इंद्रिम बोए कर ले। मैं कुछ नहीं बोला, मैं हीरा गया मैं आज कि भाई उतना लंबा चल के आया ना, तो थोड़ा सा क्या बोला मेरा आँख पा रहा है। तो व्यूअर्स लोग, आज अंकित पूरा जसपुर से संबलपुर तक पूरा 80 का स्पीड में दौड़ाया है गाड़ी को। 10 बजे निकले थे करीब 10 बजे, फिर भी जल्दी पहुंचा दिया। अभी एक्सपीरियंस हो गया है, नया है लेकिन एक्सपीरियंस हो गया है। नदी को दिखा दो, बहुत अच्छा है नदी, चौड़ा इधर एक नदी है कोई सा पता नहीं, पर हीरा कुंड एक दिन देखने जाएंगे बोल रहे हैं। अब देखते हैं, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन जाएंगे, वहाँ का वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। एक छोटा सा नदी है, पता नाम वाम तो नहीं पता, मछली वछली होगा। अपना गाँव में तो सिर्फ एक ही तालाब है, फिर कहाँ से मछली खाएंगे। दोस्तों इधर गाड़ी खड़े करें, पार्किंग कर दिए हैं, अभी अपना वाला ढाबा में खाना खाएंगे। अंकित क्या खाएगा आज? आज देखते हैं सब्जी क्या क्या बना है। दाल तो देगा ही देगा, बाकी ठंडा ठंडा पानी पिएंगे अभी। अंकित पिएगा ठंडा पानी। तो दोस्तों अभी 3 बज गए हैं, अभी हम लोग का लंच होएगा। टाइम वैसे फेल हो जाता है, क्या करोगे। अंडा लाने जाते हैं रोज, तो अंकित बोल रहा है कि आज अंडा ही खा लेते हैं, बोल रहे हैं तो अंडा ऑर्डर करें हैं आज। ये आलू का सब्जी क्या है, दाल है, ये है अंडा, देखिए गाइस अंडा कैसा है, अंकित को समझ में नहीं आ रहा है। कैसा लग रहा है शुभम? अंडा को पता नहीं गाइस कैसा करके दिया है, समझ में नहीं, गोल गोल नहीं दिख रहा, पता नहीं इसको कैसा पकाया, नहीं पता। इधर उड़ीसा है तो पता नहीं अलग प्रकार से बनाता होगा। अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है बोल रहे अंकित, देखते हैं हम खा के। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं अब सिक्योरिटी भैया के साथ। पोल्ट्री फार्म क्या नाम है? भव्य श्री पोल्ट्री फार्म है। थक गया है अंकित, बैठा है इधर आराम कर रहे हैं, और शुभम अभी गाड़ी लेके जाएगा। एक आदमी को परमिशन दे रहे हैं अंदर जाने के लिए। बैठते हैं अब, देखते हैं सामान कितना देर में लोड होता है, फिर निकलेंगे। अभी टाइम क्या हो गया है यार, गाड़ी सैनिटाइज होता है यहाँ पे, फिर आदमी लोग यहाँ पे सैनिटाइज होते हैं, फिर अंदर जाते हैं उधर पे। अनुमति मिल गया अंदर जाने के लिए, रोक के रखा था, बारिश भी रुक चुका है। साहब आया हुआ था यहाँ का, इस वजह से अभी जाके देखते हैं कि हमारा माल लोड हो रहा है या नहीं। दोस्तों इधर पे है पोल्ट्री फार्म, ये दोस्तों ऑफिस, मेन ऑफिस, इधर से लेन देन सब होता है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अंडा स्टोर रूम है, इधर काम चल रहा है, पैकिंग चल रही है, इधर पैकिंग हो गया है। दोस्तों अभी सामान लोड होने लगा है। दोस्तों सामान लोड हो चुका है, अभी इसमें तिरपाल लगा रहे हैं ताकि बारिश आएगा तो गाड़ी अपना कवर रहेगा, भीगेगा नहीं। बांध रहे हैं अंकित और सुबह हम लोग, भी नहीं बन रहा तो गाड़ी को थोड़ा आगे करेंगे। तो दोस्तों अभी थोड़ा इसको बांध लेते हैं, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों, कहीं जाइएगा मत, गोली मारेंगे नहीं। तो दोस्तों हम लोगों का काम फाइनल हो चुका है, गाड़ी निकलेगा।
कुछ नहीं बोलना चाहूँगा मैं, बस निकलने का टारगेट में आने टाइम जसपुर से यहाँ तक चलाया, सुंदर क्या बोलते हैं संबलपुर तक, कैसा लगा? बहुत अच्छा महसूस लगा आज। तो गाइस अभी अभी अपना बिल पेमेंट हो गया है, गेट पास मिल गया है, अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। टाइम 6 हो गया, पता नहीं घर कब पहुँचेंगे अभी नहीं पता। तो अभी निकल रहे हैं, 6 बज चुका है। तुम्हें दिल तोड़ दी दोस्तियारी में हम गुरु से आएंगे दोस्ती गजा भांग रे दोस्ती। दोस्तों हम लोग सेकेंड टोल गेट पहुंच रहे हैं, कोई समय डाल दे, चल छठा नंबर पे चल, आखिरी वाला इधर ले, 95 ही लेगा लग रहा है। नहीं तो पूछ लेते हैं, कितना आ जाइए, काट देगा, बता दे रहा हूँ ना, काट देगा। 95 रुपया काटा, 5 रुपया वापस। दोस्तों अभी 12:15 हो चुका है, खाने के लिए ढाबा में रुके हैं, आँखों नहीं दिख रहा है दिन से। सुबह हम सो रहा था, फिर अभी अभी उठा है, मैं भी सो रहा था, अंकित भी सो रहा था। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए, अभी हम लोगों को पता नहीं थोड़ा ही टाइम लगेगा, आधा एक घंटा में पहुंच जाएंगे घर, उसके बाद हम बताते हैं पूरा स्टोरी। ठीक है बाय, गुड नाइट, यहीं पे रात हो जाता अंधकार, वीडियो बनाते नहीं बनेगा फिर, तो फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग का खाना आ चुका है, तो दाल चावल है, सब्जी 2 प्रकार का, और इधर अंडा करी है, इधर पानी बोतल है, और इधर है शुभम, खाना शुरू कर दिए हैं लोग, अरे है अंकित।